हेलो गाइस, आज के वीडियो में हमारे पास काफी सारी न्यूज है। तो पहली न्यूज निकल के आ रही है एमसी स्टैंड के तरफ से। तो जो अर्चना गौतम है उन्होंने एमसी स्टैंड को पोक किया है, तो आप लोग देखो। भैया हम डीसी लोग हैं और डीसी लोगों में ना जो कॉमन मैन होते हैं ना, मतलब जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिन्होंने लाइफ में गरीबी भी देखी है और हर सिचुएशन को कवर किया है, और जो डाउन टू अर्थ रहते हैं उन लोगों में कभी एटीट्यूड नहीं आता, और जिनमें अगर एटीट्यूड आ गया वो ऊपर जाके धड़ाके से नीचे गिरते हैं। अरे तो भैया उतना एटीट्यूड करो जितना दुनिया सहन कर ले। और इसके साथ में एमसी स्टैंड का जो स्नेक गाना यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है एमिवे बंटाई के तरफ से। तो एमिवे बंटाई का जो कंपनी सॉन्ग है वो इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन रील पार कर चुका है। तो हमारी अगली न्यूज निकल के आ रही है डिवाइन के तरफ से। तो डिवाइन का जो बाजीगर सॉन्ग है, जो स्टार्टिंग में फीमेल वॉइस है, उन्होंने रिएक्ट किया है उस सॉन्ग के ऊपर। अब डिवाइन ने सैंपल किया है, आपको पता ही है क्या? देयर इज अ आर्टिस्ट कॉल्ड डिवाइन जिन्होंने आपका गाना लिया है बाजीगर। बाजीगर ही इज अ फैबुलस हिप हॉप आर्टिस्ट, बट हिज सॉन्ग इज कॉल्ड बाजीगर। हैव यू हर्ड इट? आई थिंक आई हैव। या 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 ऑन इंस्टा। या ऑन इंस्टा हर रील्स पे। आई थिंक इट्स अ सैंपल। इट्स मेरा दिल था। अच्छा सैंपल। इट्स माय वॉइस बट इट्स बीन चाबी लगा के उसको, and then it becomes a rap song. स्पीड बढ़ा वो कर दिया, फिर ये रैप सॉन्ग बन जाता है। तो उसको जो जो बीट चाहिए था ना रैप के लिए, उस स्पीड पर उसने वॉइस को ट्रीट कर दिया है। तो आवाज मेरी है बट उसको तो there's an entire generation that's going. तो डिवाइन ने वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ ये लिखा, कैन यू प्लीज टेल हर आई एम ए फैन। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है हनी सिंह के तरफ से। तो हनी सिंह का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है ऑफिशियल वीडियो के साथ में। तो अगली न्यूज आ रही है पैंथर के तरफ से। तो पैंथर का जो न्यू सॉन्ग आने वाला है सोनी म्यूजिक से, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।